भारी बारिश मुंबई यातायात गाड़ियों में व संकुचन के बाद गिरती है। मुंबई बारिश अंधेरी खार और केसभरे पानी से लॉग इन थे, जिससे धीमी गति से चलने वाले यातायात की वजह से मुंबई पुलिस ने कहा। मुंबई में स्थानीय ट्रेनें शेड्यूल के पीछे चल रही हैं और भारी बारिश के बाद कई बार इलाकों में धीमी यातायात की सूचना दी जा रही है। सिविक बॉडी के अधिकारियों ने स्टैंड बाय पर पंप लगाए। शहर में बहुत कम झूठ बोलने वाले इलाकों में पानी के प्रवेश की सूचना दी गई। दक्षिण मुंबई के मेंटो हिल में लॉर्ड्स एस्टेट की कंपाउंड दीवार गिर गई। 12 पाक वाली कारों के साथ ले जाया गया नाटकीय ने 5 अन्य कारों को मलबे में ढका दिखाया। नागरिक निकाय और अग्नि विभाग ने इमारत के एक पूरे पंथ को खाली कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ वकील, न्यायाधीश और व्यवसायी हैं। चेंबूर के निवासी पानी से जुड़े सड़कों के माध्यम से देख रहे थे। मुंबई पुलिस ने कहा कि डाउनपो ने अंधेरी खार और के उपनगरों में उपमागों में जल प्रवेश करने का नेतृत्व किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग पर एक पुल पर एक कंटेनर टूट गया, जिससे सुबह के घंटों के दौरान धीमी गति से यातायात हो गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को मुंबई में 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे 110.80 मिलीमीटर की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। निजी मौसम के अग्रदूत स्कीम 8 ने कहा, आज भी तीव्र होने की उम्मीद है।